हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किसी मैट्रिक्स का जो गुणा है, यानी मान लो हम मैट्रिक्स सी लेते हैं और मैट्रिक्स बी लेते हैं, तो अगर ए बी बराबर क्या ए बी बराबर बी ए होगा या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो लेट ए मैट्रिक्स जो है, मैंने लिया 1 2 3 4 लिया, 2x2 ऑर्डर की ये हो गई, और मैंने बी लिया एक मैट्रिक्स 2 3 5 7 जो भी रहते हैं। तो अब पूछ रहा है, ठीक है, ए बी बराबर बी ए इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, पूछेगा कि क्या ए बी बराबर बी ए है कि नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए बी लिखते हैं, क्या आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 5 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसका इससे करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 2 2 और क्या आ जाएगा 2 5 10। चलो हिंदी में बताते हैं, फिर 3 1 3 क्या आ जाएगा 3 1 3 और 2 3 2 7 14 यह हो जाएगा, फिर 3 2 6 फिर क्या हो जाएगा 4 5 20, फिर देखते हैं 3 2 1 9 और 4 7 28, तो मैट्रिक्स आ गई कितनी 12 14 3 17 20 6 26 और 28 9, 2x2 ऑर्डर किए मैट्रिक्स आगे देखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ए बी बराबर बी ए है, तो हम बी ए निकाल लेते हैं। बी क्या है 2 3 5 7 और क्या ये 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 3 9 2 2 4 3 4 12, ये 12 है, 5 1 5 5 1 5 और 7 3 21, 5 2 9 10 और 7 4 28। अब देखते हैं क्या आता है, ये आ जाएगा 9 2 11 12 4 16 21 5 26 और 28 10 38, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। हमारा ये भी कितना आया 12 17 36 37 आया, और यहाँ पर बी ए कितना आया 11 16 26 और 38 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या बताएंगे, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने जा रहा है, हमारा क्वेश्चन है इफ, ठीक है, ए जो है एन क्रॉस एन एंड बी क्या है एन क्रॉस एन, ठीक है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कह रहा है क्या होगा, दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हम लोग गलती कर देते हैं, जैसे हम लोग अलजेब्रा की क्वेश्चन पढ़ते थे बीजगणितीय समीकरण में पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है, अभी प्रूव करके दिखाया कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। जब ए बी बी ए के बराबर होगा ही नहीं तब कैसे करेंगे, जैसे
तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर की तरह नहीं सॉल्व करेंगे, तो इसे लिखेंगे ए प्लस बी ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक, ए इंटू बी क्या हो जाएगा प्लस ए बी, बी इंटू ए प्लस बी ए, और बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैट्रिक्स में अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये होगा क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। बट अगर वो दे दिया हो, ठीक है, कि ए बी बराबर बी ए, या दे दिया जाए कि ए बी इज कामुटेटिव, क्या दिया दिया है ए बी इज कामुटेटिव दे दिया जाए, ठीक है, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं दो गुणे तीन बराबर तीन गुणे दो बराबर छः। लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स है ए इंटू बी, ये हमेशा बी इंटू ए नहीं हो सकती, यानी वो बी ए के बराबर नहीं होगी ए बी, जैसे मैंने इससे पहले काउंटर एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, ए जी हो गया, ठीक है। हाँ, अब हम जब ये दे दिया गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रख देंगे ए बी के बी ए के जगह पे ए बी रख दें तो क्या जगह ए बी ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे लेते हैं कि ए बी बराबर बी ए भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल लिए ए बराबर लिए 1001 ले लिया, ठीक है, और बी ले लिए ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए ए, और इसको ले लिए 0110, ठीक है। देखो टू क्रॉस टू ऑर्डर की ए भी मैट्रिक्स है, टू क्रॉस टू ऑर्डर की ए भी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब पूछा है कि ए बी बराबर बी ए है, तो हम पहले ए बी निकालते हैं, ए बी कैसे निकालेंगे, लिखते हैं 1001 ये 0110 निकालते हैं, क्या हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा प्रोडक्ट, जीरो, फिर इसका भी जीरो, जीरो प्लस जीरो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, फिर इसका करते हैं वन और इंटू जीरो इंटू जीरो, फिर जीरो जीरो, तो फिर वन इंटू वन वन, फिर इसका करते हैं जीरो और इसका जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा ये 0110, ये कुछ भी मैट्रिक्स मिली ये वाली, ठीक है। ये क्या है ए बी, अब हम बी ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं बी ए क्या है 0110 और आइडेंटिटी 1001, ये चीज क्या हो जाएगा ये जीरो, ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, यानी क्या जाएगा जीरो प्लस जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन ये क्या हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन और इसको क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो जीरो, फिर ये क्या हो जाएगा जीरो और इसका फिर जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो। तो ये क्या मैट्रिक्स मिली, ये आई 0110। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, जो ए बी निकला, ए बी क्या निकला ये 0110 और जो बी ए है 0110, ये भी टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली, ए बी टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली। अगर इस प्रकार की मैट्रिक्स मिल गई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी ए, ठीक है। ये चीज अगर आप पूछें कि अगर ये मैट्रिक्स दी हो, ए दिया हो और बी दिया हो, ठीक है, तब पूछे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ऐसे कुछ ऑप्शन में आ जाए पहला ऑप्शन में कि मान लो हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दिया हो, तो क्या कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें ए बी बराबर बी ए आ गया, ठीक है। नो क्वेश्चन है, लेट ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स बी है वो क्या है
बी आई जे उसका आर्डर यानी क्लास बी है, ठीक है याद रखना। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एडिशन मतलब ये जोड़, एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन यानी ये गुणा वाला, ठीक है इन ए बी रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली ठीक है। ये कह रहा है कोई मैट्रिक्स लिया, जैसे ए बी ले लिया मैंने, ठीक है तो ए बी बता रहा है जो यहाँ पे जब ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पे मान लो कुछ भी लेते हैं ए इंटू बी प्लस ये, ठीक है जो भी इसे लेते हैं कि इसमें कितने मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन आए हैं और कितने एडिशन के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तब आपको हम बताते हैं इससे, ठीक है। जैसे मैंने लिया ए बी सी डी ले लिया एक मैट्रिक्स, ए आई जे टू क्रॉस टू ऑर्डर की है, अच्छा दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या जो भी हो, ठीक है। गुणा कैसे होगा, जब मैंने बताया ये चीज और ये चीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। मैंने बी ले लिया यहाँ पे ई एफ जी एच ले लिया, ए बी टू प्लस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब हम ए बी फाइंड करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ध्यान समझिएगा ई एफ जी एच, ठीक है ध्यान समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए इन टू ई, ध्यान से देखिएगा ए इन टू ई, अच्छा फिर प्लस लगाएंगे ए इन टू जी प्लस ए इन टू जी ये हो जाएगा, अच्छा फिर इसका जब करेंगे यहाँ पे तो ए इन टू एफ प्लस लगाएंगे तो बी इन टू एच, ये चीज हो गया। फिर इसका सी इन टू ई फिर D into G plus D into G, अच्छा ये क्या जाएगा C into F plus D into H, ये हो जाएगा D into H। अब यही देखना, अब इसमें देखो टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स में अगर हम AB निकालते हैं तो कितने मल्टीप्लाई के ऑपरेशन मिले, तो एक मल्टीप्लाई का दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यानी मल्टीप्लीकेशन कितने मिले 8 मिले, और एडिशन देखते हैं 1 2 3 4, तो एडिशन कितने मिले, एडिशन के कितने ऑपरेशन मिले 4, ठीक है कितने मिले 4 मिले। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है एडिशन का निकाल दे, यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे बता दे, दिख रहा है इधर बता दे रहे हैं एडिशन का, इधर बता रहे हैं मल्टी एडिशन का बता दे, समझ जाएगा एडिशन का और मल्टीप्लीकेशन का। तो एडिशन का क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है यम है उसको यम लिख देते हैं, और फिर यन माइनस वन इंटू यम इंटू यन माइनस वन इंटू, समझ में आई बात। अब देखो अब हम देखते हैं कि एडिशन में कितने आए, चार आए ना यहाँ पे, एडिशन में कितने आ गए चार आए, तो मान रखते हैं यहाँ पे यम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे देखो यम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दो है, यन की वैल्यू कितनी है टू क्रॉस टू ऑर्डर की है ना, यन की वैल्यू भी दो है, अच्छा और पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे मान रखो तो यम की जगह पे दो गुणे दो माइनस एक इंटू पी, तो कितना आ जाएगा दो इन टू इंटू वन इंटू टू कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा, ये क्या जाएगा फोर आ गया, समझ में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं m into n into p, तो इसका सूत्र m into n into p होता है, एडिशन का m into n minus 1 into p, अच्छा मल्टीप्लाई कर देख लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो m कितना है 2, n कितना है 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 8, देखो यहाँ पे 8 आ गए। अगली वीडियो में हम
और नई ट्रिक के साथ मिलेंगे।